आप बतौर कपल बड़े मशहूर टिकटॉक कपल हैं। असल में हम लोग जिस वक्त टिकटॉक बनाते थे तो हमें ना बड़ी साइलेंस सीट चाहिए होती थी राउंड में, तो हम लोग इसको ना बाहर भेज देते थे। तो इसको ना बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि मेरे मम्मी और डैड जो हैं वो क्या कर रहे हैं कमरा बंद करके। तो करते करते जब ये इसको पता चला कि ये भी कोई बुला है टिकटॉक पे भी, तो कैमराज वगैरह हमारे उठा के कभी लाइव की एक्टिंग कर रही है कभी क्या, तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोग कंटेंट इस तरह का जनरेट करें कि जिसमें इसको हम लोग सामने लेके आए। मैंने पहले एक आधी वीडियो इसकी रैंडम लगाई थी, लेकिन दूसरी वीडियो जब हम लोगों ने लगाई है तो उस पर माशाल्लाह से वो इट वेंट वायरल और कोई 21 मिलियन व्यूज इसके सिर्फ टिकटॉक पे हैं। मैं इस चीज़ को ज़रूर मानती हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा या अच्छा नहीं होता, उसको आपका कंटेंट, आपकी प्रेजेंटेशन बुरा या अच्छा बनाती है। मामा गुस्सा कैसे करते हैं ये भी आप बता देते हो, एक्सप्रेशन कैसे करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं रुखशान मीर। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे टिकटॉकर कपल से करवाने वाला हूं जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपनी बेटी को टिकटॉक पे लॉन्च किया है, और बेटी माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है कि उन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को व्यूज़ के मुकाबले में बहुत पीछे छोड़ दिया। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ मीर और उनकी अहलिया डॉक्टर सदफ। तो आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे और कब से ये टिकटॉक बना रहे हैं, और जो नन्ही छोटी सी बच्ची है जरताशा, इसमें ये टैलेंट कैसे आया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो कब से आप बना रहे हैं टिकटॉक? वेल सर, इट्स बीन लाइक 4 ईयर्स। हम लोगों ने 2018 में स्टार्ट किया था अपना टिकटॉक अकाउंट, और हम लोगों ने कंटेंट लॉन्च करना शुरू किया। वो टाइम बीन ऑफ एंड ऑन हम लोग टिकटॉक लगाते थे, और लाइक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा पिछले चार साल से हम लोग टिकटॉक पे अकाउंट्स वगैरह को मैनेज कर रहे हैं। फिर स्नैक आया तो स्नैक कंटिन्यू किया, तो थिंग्स आर गोइंग गुड। आपके मैं देख रहा था टिकटॉक, जो आपकी बेटी है उसने व्यूज़ के मुकाबले में आपको भी पीछे छोड़ दिया, तो खुद ही इसने कहा कि मैंने भी टिकटॉक बनाना है या आपने टिकटॉक बनाना सिखाया? असल में हम लोग जिस वक्त टिकटॉक बनाते थे तो हमें ना बड़ी साइलेंस सीट चाहिए होती थी राउंड में, तो हम लोग इसको ना बाहर भेज देते थे। तो इसको ना बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि मेरे मम्मी और डैड जो हैं वो क्या कर रहे हैं कमरा बंद करके। तो करते करते जब ये इसको पता चला कि ये भी कोई बुला है टिकटॉक पे भी, तो कैमराज वगैरह हमारे उठा के कभी लाइव की एक्टिंग कर रही है कभी क्या, तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोग कंटेंट इस तरह का जनरेट करें कि जिसमें इसको हम लोग सामने लेके आए। और मैंने पहले एक आधी वीडियो इसकी रैंडम लगाई थी, लेकिन दूसरी वीडियो जब हम लोगों ने लगाई है तो उस पर माशाल्लाह से वो इट वेंट वायरल और कोई 21 मिलियन व्यूज़ इसके सिर्फ टिकटॉक पे हैं। इंस्टाग्राम और स्नैक वीडियोस अदर प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया के वो छोड़ के, तो इस तरह ये जरताशा जो है वो टिकटॉक पे है। और थ्रू आउट द वर्ल्ड मैं ये कहूँगा कि जरताशा का मतलब बोलना बहुत कम था, लेकिन इसके एक्सप्रेशंस, ये रिएक्शंस जिस तरह की देती है वो पूरी दुनिया में ही मतलब, और बड़ी क्यूटनेस होती है ना वीडियोस में, इसलिए पसंद। या तो पूरी दुनिया ने ही हमें बहुत ज़्यादा वेल विशेज़ भी दी हैं लोगों ने, बल्कि हमें डिमांड किए कि आप ताशु की ना वीडियोज़ जो हैं वो अपने इवन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर लगाया करें, कि बड़ी बड़ी क्यूट हरकतें करती है ये। आप तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो टिकटॉक तो पाकिस्तान में कुछ बदनाम भी है कि लोग यहाँ पे अजीबोगरीब कंटेंट बनाते हैं, आपको कैसे शौक हुआ टिकटॉक बनाने का? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शौक मुझे नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, तो उन्होंने बोला कि चलो बनाते हैं। शुरू में तो बहुत ज़्यादा मैं वो होती थी, काशिफ मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँगी, एक्टिंग ही नहीं की जाती थी, एक्सप्रेशन ही नहीं दिया जाते, ये मुझसे लड़ जाते थे कि फिर रीटेक मैं कहती थी मैंने आपके साथ टिकटॉक नहीं बनानी। पर ये है कि नो डाउट मैं इस चीज़ को ज़रूर मानती हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा या अच्छा नहीं होता, उसको आपका कंटेंट, आपकी प्रेजेंटेशन बुरा या अच्छा बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टिकटॉक पे कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिसको आप कह सकें कि वो बुरा है, तो ये आप तक है कि आप क्या देते हो अपनी आवाम को देखने के लिए ना। बड़ा अच्छा फैमिली कॉन्टेंट आप बनाते हैं टिकटॉक पे, तो किसकी प्लानिंग होती है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं? यही है सारा पीछे, क्योंकि मेरा इन चीज़ों में माइंड नहीं चलता, मैं क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशन से हूँ। अब ये है कि थोड़ा थोड़ा ये जल्दी बना लेती हूँ, अब आदत होती है, वरना पहले तो इतने रीटेक होते थे, आखिर में लड़ाई हो जाती थी, फिर 2 दिन बाद दोबारा बनाते थे। कभी कभी कंटेंट भी मुझे देती है कि काशिफ मैंने ये चीज़ सोची है कि ये टिकटॉक बनाते हैं वायरल होगा, और नो डाउट जो ये कंटेंट देती हैं माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा जाता है हम लोगों का। आपने टिकटॉक कैसे बनाना शुरू किया? बाबा ने आपको कहा इस तरह से टिकटॉक बनाओ? आप इसके जरताशा के नाजरीन टिकटॉक की एक वीडियो पे 21 मिलियन व्यूज हैं, तो आप एनिमल्स की आवाजें भी निकालती हैं? कैट किस तरह बोलती है? मियाओ। और डॉग किस तरह बोलता है? बाओ। अच्छा, और लायन?
अच्छा मामा गुस्सा कैसे करते हैं ये भी आप बता देते हो एक्सप्रेशन कैसे करते हैं मम्मी मुझे मारती भी गुस्सा भी करती है अच्छा मारती भी मम्मी के पास तो नाजरीन 3 साल जरताशा की उम्र है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह टैलेंटेड बच्ची सबसे ज़्यादा वायरल टिकटॉक आपका कौन सा हुआ है आपने बताया आप कमर्शियल्स में भी काम कर चुके हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रहे हैं जी सर सबसे इम्पॉर्टेंट और जो वायरल वीडियो हमारा मेरा और डॉक्टर सदफ का एज अ कपल रहा है वो हम लोगों ने एक वो था लतीफ़ा हमें मिला था उसमें ये सीन होता है कि हस्बैंड अंधा बंदा होता है और बीवी जो होती है वो उसको कहती है कि काश आप अगर नाबीना ना होते तो आप मेरी खूबसूरती देखते वो देखा है मैंने तो उसमें फिर वो नाबीना हस्बैंड ये कहता है कि अगर तुम इतनी खूबसूरत होती तो ये जो दुनिया में लोग हैं जिनकी आंखें हैं वो तुम्हें एक नाबीना के लिए छोड़ते तो ये कॉन्टेंट हमारा बड़ा वायरल गया अच्छा आपकी पेशेंट्स हैं उनके साथ आपकी ज़ाहिर है डीलिंग रहती है ऑनलाइन आप कंसल्टेशन भी देती हैं तो कभी वहाँ से भी फीडबैक आया कि डॉक्टर साहब आप तो टिकटॉकर भी हैं और टिकटॉक आपका हमने देखा है जी बहुत दफ़ा आता है लोग मुझे मेरी वीडियोस भेज कर कहते हैं डॉक्टर सदफ़ ये आप ही हैं मैं कहती हूँ जी मैं ही हूँ तो फिर वो उनकी डिमांड होती है बल्कि कि आप अपने पेज पर अपनी और भाई की वीडियोस लगाएं हमें बहुत पसंद है जो आपका तो मेडिकल पेज है जी जो मेरा ऑफिशियल पेज है तो उस पर उनकी बड़ी डिमांड होती है कि आप वीडियोस लगाएं तो मेरी कोशिश होती है कि ज़रा कम ही लगाऊं लेकिन लोगों को मिल जाती हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ भी हमें फॉलो किया हुआ है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेशेंट्स के साथ बहुत फ्रेंडली मैं डील करती हूँ अपने पेशेंट्स को तो वो बड़ा अच्छा वो भी फील करते हैं दिखाते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि हमारी वायरल है तो वो बड़े खुश होकर हमें भेजते हैं लिंक्स जैसे कल इसकी वीडियो का लिंक मुझे लड़कियों ने भेजा कि ये आपकी बेटी है ना तो मैंने कहा जी ये मेरी बेटी है तो ये बहुत क्यूट है तो वो मुझे अच्छा लगता है ऑब्वियस सी बात है कि लोग पसंद कर रहे हैं और क्वालिटी कॉन्टेंट फैमिली कॉन्टेंट तो आप बतौर कपल बड़े मशहूर टिकटॉक कपल हैं तो वैसे आपकी शादी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है आप किस तरह मिले एक दूसरे को अब तो आप ज़ाहिर स्टार बन गए यही बताएंगे ये ज़रा ज़्यादा अच्छी डिटेल बताते हैं आप इनसे पूछें अच्छा आपने जवाब नहीं दिया समझ समझ गया नहीं आप मैं मतलब लव मैरिज करनी होती तो लड़कियों की कोई कमी थोड़ी ना सर मेरी किसी ये बात पूछता है और ये कहते हैं कि अगर मैंने लव मैरिज करनी होती तो यही रह गई थी इसलिए मैंने कहा आप इनसे पूछे नहीं हमारी टोटली अरेंज मैरिज है और लव शव का टाइम तो मिला ही नहीं है बस घर वालों ने चट मंगनी मैं क्योंकि इस तरह के सिटी से बिलोंग करता हूँ कि थोड़ा सा बड़ों का यू नो ट्राइबल एरिया एंड ऑल दैट तो उस चीज़ में बड़ों की मतलब वो होते हैं फैसला उनके होते हैं सबसे बड़ी बात बीइंग अ हस्बैंड मैं बस ये था कि पाकिस्तान में ना थोड़ा सा एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा था क्योंकि जिस वक्त ये प्रोफेशन इनका इस तरह का है और ऑब्वियसली नाउ आई एम अ फादर ऑफ अ डॉटर एज वेल तो पाकिस्तान में ना हमारे ये वुमेन एम्पावरमेंट जो है उस पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट बातें बहुत सारे लोग करते हैं हर फैमिली में ये बातें होती हैं कि वुमेन की एजुकेशन पे अब देखें सबसे बड़ी बात ये कि अगर बेटी को हम लोगों ने डॉक्टर बनाया है तो कल हम शादी करते हैं उसकी तो सबसे पहले हस्बैंड ये कि जॉब छुड़वा लेता है कि मुझे तो जॉब करवानी नहीं है पैसे नहीं कमाने हैं इट्स नॉट अबाउट टू अर्न मनी इट्स अबाउट कि आप अपने आने वाली जनरेशन को संभालते किस तरह हैं एक अच्छी माँ और एक पढ़ी लिखी माँ एक कॉन्फिडेंट माँ जो होती है वो बच्चों का जिस तरह ख्याल रख सकती है आई डोंट थिंक सो कि हमारे यहाँ पे अगर तालीम ना दे के घर में बिठा के सिर्फ उनको किचन की हद तक रख के तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं जैसे ये अभी 3 साल की है जरताशा और माशाल्लाह टिकटॉक पे ऑलरेडी कंटेंट भी बना रही है तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है एंटरटेनमेंट की तरफ लेके आना है बच्चे को या डॉक्टर ही बनाना है नहीं ऐसा बिल्कुल कोई प्लान नहीं है कि एंटरटेनमेंट की तरफ रखना है मेरा तो कोई प्लान नहीं है मेरा ये भी प्लान नहीं है कि मैं इसे डॉक्टर ही बनाऊंगी क्योंकि ये डिपेंड करता है बच्चे के अपने एम्स पर और डेफिनेटली अगर हम उस पर कुछ इम्पोज करेंगे तो वो कभी भी उस चीज़ को लेकर नहीं चलेगी तो मैं ये चाहती हूँ कि जो ये फील्ड डिसाइड करे मैं उसी में इसको जो है वो करेज करूँ कि नहीं हाँ ठीक है आप ये करना चाहती हो ओके मैं अक्सर मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं जब बैठता हूँ तो मेरा एक डायलॉग है मैं बड़ा वो मशहूर हुआ है मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं कहता हूँ कि लोगों के यहाँ पे बेटे पैदा होते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम 10 साल जवान हुए हैं तो मुझे ये लगता है कि मेरी बेटी पैदा होके इसने मेरा सीना चौड़ा कर दिया मुझे इससे इतना प्यार है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दूसरी बात ये कि इसको सब माफ़ है ये जो दिल में आए करे आई एम विद हर बहुत ज़बरदस्त है बेटियां तो माँ बाप का
बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है। तो नाज़रीन आप गुफ्तगु सुन रहे थे काशिफ मीर और उनकी अहलिया डॉक्टर सदव मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी नन्ही खूबसूरत सी टिकटॉकर जरताशा की भी आपने प्यारी प्यारी मज़ेदार बातें सुनी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। रुखशान मीर को दें इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।